राजधानी लखनऊ पूरे देश में गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक मानी जाती है। यहाँ रहने वाले अलग अलग धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और इस शहर में कहीं मुस्लिम बड़े मंगल पर भंडारा करते हैं तो वहीं हिंदू रोजा इफ्तार करते हैं। तो वहीं उसी कड़ी में लखनऊ के अमीनाबाद स्थित होटल गुलमर्ग में अवध सेल्स एंड परचेज एवं चौरसिया समाज द्वारा रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पहुंचे रोजादारों ने रोजा इफ्तार किया। इसी मौके पर चौरसिया समाज के रमेश चौरसिया, वी जितेंद्र चौरसिया समेत कई लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए जितेंद्र चौरसिया ने कहा कि वो लगातार कई वर्षों से रोजा इफ्तार का आयोजन करते हुए चले आ रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि लखनऊ देश का एक ऐसा शहर है जहां के लोग एक दूसरे के त्योहारों को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। साथ ही आगे बोलते हुए उन्होंने यह भी बताया कि कुछ जातिवाद के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां इस शहर की एकता को खत्म करने में लगी हुई हैं, लेकिन वो अपने इस गलत मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगी, क्योंकि इस शहर के लोग जातिवाद ताकतों को अपने समाज में कहीं भी जगह नहीं देते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां ये चाहती हैं कि वो हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से दूर कर दें, लेकिन लखनऊ के हिंदू मुस्लिम की एकता को कोई भी खत्म नहीं कर पाएगा। ये रोजा अवतार हमने इसलिए करवाया कि अमन और शांति के लिए, और सभी लोग आपस में भाईचारा बनाए रखें, इसीलिए ये रोजा अवतार का आयोजन किया गया। ये तो पार्टियां हैं, ये तो चाहेंगे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े हैं, पर हम लोगों को चाहिए एक होकर रहें, सद्भाव बना के रखें, आपस में आत्मविश्वास बना के रखें। ये तो हम लोगों के ऊपर है, पार्टियों का काम ही है हम लोगों को लड़ाना, क्योंकि वो चाहती हैं लड़ाएं और हम लोगों का वोट लें।